दिस इज अंकिता शिवेरे एंड वेलकम टू पार्क वे। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल की अनदर थ्योरम के बारे में। सो लेट इट स्टार्ट। लर्नर्स यहाँ देखिए, ट्रायंगल की अनदर थ्योरम में लिखा हुआ है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एन राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू एन हाइपोटेनियस, देन द ट्रायंगल ऑन द बोथ साइड ऑफ अ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। क्या लिखा हुआ है इस थ्योरम में, मैं आपको डायग्रामेटिकली थ्रू बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ बताया गया है कि एक परपेंडिकुलर जो है मैंने ड्रॉ किया हुआ है वर्टेक्स से। पहले हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, राइट ट्रायंगल में वर्टेक्स से क्या किया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अच्छा, राइट ट्रायंगल में अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, तो परपेंडिकुलर दैट मीन्स क्या, 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन। फाइन, तो मैंने यहाँ 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन कर दिया। सो वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाला मैंने, वर्टेक्स से। फाइन, ऑफ द राइट एंगल मतलब कि राइट एंगल यानी कि वर्टेक्स पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, ऑलरेडी मेंशन है। तो मैंने बी पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया और परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम क्योंकि, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, देन द ट्रायंगल ऑन द बोथ साइड ऑफ एन परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर के बोथ साइड जो ट्रायंगल है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब ये ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी डी सी, ये दोनों की दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे और साथ ही साथ टू होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। दैट मीन्स ये दोनों की दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ में ए बी डी ये जो ट्रायंगल है वो पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा, साथ ही साथ में बी डी सी जो है वो भी ए बी सी पूरा जो ट्रायंगल है उसके सिमिलर होगा। हमें ये प्रूफ करना है अल्टीमेटली, मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, साथ ही साथ में ये ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के इक्वल है और ये ट्रायंगल जो है वो इस पूरे ट्रायंगल के इक्वल है। मुझे अल्टीमेटली इसमें यही प्रूफ करना है। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं इसे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन पार्ट कि हमें गिवन क्या है। यहाँ पर गिवन क्या है, एंगल बी मतलब कि 90 डिग्री, ये मुझे ऑलरेडी गिवन है। फाइन, और साथ ही साथ में एक चीज आपने और नोटिस की होगी यहाँ पर कि बी डी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। तो यहाँ लिख देंगे हम बी डी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए सी। फाइन, अब प्रूफ क्या करना है हमें, वो लिखते हैं। प्रूफ क्या करना है कि भाई ए बी डी जो है वो किसके किसके सिमिलर होगा, ए बी सी के। ए बी डी ट्राइंगल, ए बी डी ट्राइंगल, ए बी डी जो सिमिलर है किसके, बी डी सी के। तो सिमिलर दैट मीन्स किसके, ट्राइंगल बी डी सी के। फिर उसके बाद में ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी जो कि सिमिलर है किसके, बी डी सी किसके सिमिलर है, ए बी सी के। और ए बी डी इज सिमिलर टू व्हाट, ए बी सी। तो लर्नर्स ये हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। फाइन, ये तीनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है और गिवन मैंने यहाँ लिखी दिया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ के लिए मैंने पहले से ही डायग्राम्स बना रखी हैं। लर्नर्स हमें प्रूफ क्या करना है, डायग्राम बना रखे हैं। सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना होगा, ए बी डी जो है वो ए बी सी के इक्वल है कि नहीं है, मतलब ए बी डी जो है वो सिमिलर है ए बी सी के, ये पहले हमें प्रूफ करना होगा। तो देखिए लर्नर्स, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, एक नहीं एक्चुअली मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। तो पहला डायग्राम जो है ए बी डी, ये देखिए एज इट इज मैंने यही डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ एंगल ए पे जो है ना एंगल बन रहा है वो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया है। साथ ही साथ में ए बी सी, ए बी सी जो है देखिए ए बी और सी, ए बी सी को मैंने एज इट इज यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये देखिए, आप ये बोलेंगे मैम ये थोड़ा डायग्राम कैसे, मतलब यहाँ बी है, यहाँ ए, यहाँ सी है, बट यहाँ पर कैसे।
तो देखिए लर्नर्स, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा था बी पर, देखिए मैंने सिमिलरली वहां 90 डिग्री का एंगल बनाया है और ए बी सी इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया है। फाइन, अब क्या करेंगे हम, ये दोनों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीडी एंड एबीसी जो कि मैंने ये ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, सो आप लर्नर्स इसमें देख रहे होंगे कि एंगल बी डी ए जो है वो इक्वल है किसके, एंगल ए बी सी के बाय 90 डिग्री, दोनों के दोनों जो है वो 90 डिग्री से इक्वल है। फाइन, दूसरी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है कॉमन की, देखिए यहां भी एंगल ए है यहां भी एंगल ए है, तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए बाय कॉमन, एक और प्रॉपर्टी लग रही है यहां पर, ये देखिए एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो हम इसे यहां लिख सकते हैं कि बी ए डी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी ए सी बाय कॉमन, तो ये दोनों जो है वो कॉमन है और ये 90 डिग्री से इक्वल है। फाइन, तो इस अकॉर्डिंग क्या हो गया, यहां पर ए बी डी जो है वो सिमिलर है ए बी सी के, यहाँ देखिए ए बी डी जो है वो सिमिलर है ए बी सी के, मतलब हमने ये पार्ट जो है वो प्रूफ कर दिया सिमिलैरिटी में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, मतलब कि ए बी ए डी सी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी सी के, देखते हैं फिगर में, देखिए मैंने एज इट इज फिगर बनाया है, बी डी सी बी डी सी देखिए 90 डिग्री डी पे बना हुआ है और ए बी सी ए बी सी देखिए 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है, तो मैंने यहाँ 90 डिग्री बना दिया, 90 डिग्री हमेशा बेस और हाइपोटेनियस से मिलकर के बनता है, तो देखिए ये बना दिया मैंने 90 डिग्री। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल व्हाट बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, फाइन बी डी सी एंड ए बी सी हम इस पार्ट को प्रूफ कर रहे हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर डी एंगल है और बी एंगल है, दोनों 90 डिग्री पर है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर 90 डिग्री से प्रूफ किया उसी तरह से मैं यहाँ पर 90 डिग्री से प्रूफ कर दूंगी इसे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ए बी सी बाय 90 डिग्री। अच्छा, ये जो आपने यहाँ प्रूफ किया इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, फाइन, उसके बाद में यहाँ देखिए, अब यहाँ सी एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल व्हाट ए बी सी बाय कॉमन, ये कॉमन है इसमें, क्या एंगल सी कॉमन है इसमें, फाइन, तो अब इस हिसाब से क्या हुआ, ये वाला जो है एंगल बी डी सी और ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गए, तो इसे मैं दूंगी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ, अगर यहाँ पर एबीसी एबीसी दोनों के दोनों में एबीसी आ रहा है तो मतलब बीडीसी जो है वो एबीडी के इक्वल हो जाएगा, तो अब मैं इसे इरेज करती हूँ, आप प्लीज इसे नोट आउट कर लीजिए ताकि ये सब कुछ जो है आपके पास लिखा हुआ रहे, आपको याद रहे कि हमने कहाँ क्या लिखा था। फाइन, उसके बाद में हम बात करते हैं इसके आगे के पार्ट के बारे में। सो देखिए लर्नर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये स्टेप आपको कब लिखना है, जब मैंने आपको ये ट्राइंगल और यहाँ का जो ट्राइंगल था, मतलब फर्स्ट आपको ये लिखना है स्टेप, यहाँ पर जो बनवाया था मैंने सेकेंड में वो लिखना है, फिर उसके बाद में आपको ये लिखना है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिला, ट्राइंगल बी डी सी जो है वो क्या है, इक्वल है किसके, ट्राइंगल ए बी डी के। फाइन, ये दोनों हमें मिल गया, अब अगर बी डी सी और ए बी डी, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के सिमिलर है, तो ए बी सी भी सिमिलर हो गया, कैसे हो गया सिमिलर, देखिए यहाँ पर ए बी सी और ए बी सी दोनों साइड में ए बी सी है, तो ये भी सिमिलर हो गया, तो इस अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये ट्राइंगल दोनों के दोनों सिमिलर है और ये दोनों जो है वो पूरे के सिमिलर है, तो इस हिसाब से क्या हुआ, हेंस प्रूफ।
हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों की दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और इन दोनों ट्राइंगल का जो है वो पूरे होल ट्राइंगल से भी सिमिलर है। तो ये था ऑल अबाउट द ट्राइंगल थ्योरम। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है सो प्लीज कमेंट मी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।